ब्राह्मणों का विनाश होगा। हैं? ब्राह्मणों का विनाश होगा। ब्राह्मणों का विनाश होगा ऐसे उर्दू में कहा गया है। पुरानी पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी, ये घोषणा की गई थी। तो पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, मुरलियों में बोला, सिवाय बाप के। और 76 की दूसरी मुख्य घोषणा थी बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। क्या बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? 76, वो भी घोषणा थी। तीसरी मुख्य घोषणा थी लक्ष्मी नारायण का जन्म, सन 76 के लिए इशारा दिया गया मुरली में। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना 1966 की चलाई ही ये जो वाणी है उसमें से बैक साइड में 5000 वर्ष जाइए और उसमें से 10 वर्ष कम कर दीजिए तो कौन सा साल आया? है 76 आया ना। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म रूपी प्रत्यक्षता होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचे अभी मुरली में कहा ऊंचते ऊंचे बाप जो धर्म पिता है, बापों का भी बाप, सब धर्म पिताओं का बाप, वो ऊंचते ऊंचे में ही प्रत्यक्ष होगा ना। तो सतयुग का सबसे ऊंचा पाठधारी कौन? नारायण, जो डायरेक्ट नरसिंह नारायण बनता है, जो गीता में मनुष्य जीवन का लक्ष्य बताया है। भगवान ने अर्जुन को ऐसी शिक्षा दी कि नरसिंह क्या बना? नारायण। तो नारायण तो हीरो पाठधारी हो गया, रंगमंच पर हीरो पाठधारी से जास्ती ऊंचा कोई होता है क्या? नहीं। तो ऊंचते ऊंच पाठधारी की प्रत्यक्षता वर्ष कौन सा बताया? 76। एक अन्य वाणी में बताया है तुम बच्चों को याद का सबसे बढ़िया पुरुषार्थ का तरीका है नारायण को याद करो। क्या गलत फहमी में नहीं आना चाहिए कि बाबा ने कभी घर को याद करो, अरे वो शरीर रूपी घर भी तो है। स्वर्ग को याद करो, जो जीवन मुक्ति की स्टेज में है वो स्वरूप हमारे लिए क्या है? नरक है, दुखधाम है या सुखधाम है? सुखधाम भी है। तो कोई भी बात में संशय नहीं लाना चाहिए कि बाबा ने कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी कहते एक को याद करूं। वो एक ऐसा है जिसमें सारा ही संसार समाया हुआ है। उस एक की स्टेज मुक्ति धाम की भी स्टेज है और जीवन मुक्ति धाम की भी स्टेज उसी की बनती है सबसे पहले। इसलिए बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। प्रत्यक्षता वर्ष का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया में 500 करोड़ में प्रत्यक्ष हो जाएगा। बच्चा पहले प्रत्यक्ष होता है किसके सामने? पहले तो माता पहचानती है, 4-5 महीने के बाद पेट में फुर्र फुर्र होती है तो उसे पता लगता है कुछ कोई आत्मा ने प्रवेश किया। मुरली में भी बोला है माता को पहले पता चलता है 5 महीने के 4 महीने के बाद जब चुरुपुर होती है। कौन सी माता को? जिसने पहले अपने को समर्पण कर दिया हो वो कौन सी माता है जिसने एडवांस में पहले अपने को समर्पण कर दिया और अभी भी निभाती चली आई है? वाणी में बोला है, वाणी में बोला है पटरानियों में भी नंबरवार हैं,
कोई सदाकाल का साथ निभाती है और कोई कब कब का साथ निभाती है। संबंध जोड़ने से नंबर नहीं मिलते कि भाई हमने संबंध पहले जोड़ लिया तो हमारा नंबर बन जाएगा, नहीं। घिसट घिसट करके भी अगर अंत तक साथ निभाया है, निभाने का पक्का लक्ष्य लिया है, तो नंबर जरूर बनेंगे। माया का अपोजिशन तो किसी को नहीं छोड़ता कि माया रावण किसी को छोड़ देता है। जो शिव की शक्ति है, जो राम की शक्ति है, कौन? सीता। सीता के भी दो रूप दिखाए हैं रामायण में। एक मूर्ति बनाई, अग्नि में रख दिया, तुम पावक में करो निवासा। पावक है, अग्नि यहाँ कौन सी है? योग अग्नि। तुम पावक में करो निवासा, जबल की करो निशाचर नाशा। जब तक इन दुष्टों का नाश हो जाए तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और जो सीता थी, पंचवटी में बताया ना, उसको रावण ले गया। रावण ले गया, लेकिन बुद्धिरूपी हाथ से उसका स्पर्श भी नहीं कर सका। तो दो सीताएं हुई। जैसे नारायण की जी मुरली में बोला, कोई कोई प्लस में भी आ जाते हैं। नारायण तो ब्रह्मा जी सोल को डिक्लेयर कर दिया था मुरली में, सत्युग में नारायण कौन बनेगा? दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल बनेगी, ये डिक्लेयर हुआ पड़ा था। लेकिन 76 में क्या हुआ? 76 में नर से नारायण तुम बच्चे बनते हो, यह नहीं बनता। फिर बोला मेरे से तुम बच्चे योग में आगे चले जाते हो, तुम इससे भी माने ब्रह्मा से भी योग में तुम आगे चले जाते हो, क्योंकि इनको तो मामला बहुत है। तो इससे साबित हुआ कि योग बल से तो विष्णु की बात सही मिलती है कि सतयुग की बात सही मिलती है? विश्व की बात सही ऊंची या सतयुग की बात सही ऊंची? कोई धर्म पिता और दूसरा तो अपने धर्मावलंबी को सारे विश्व की बादशाही नहीं दे सका। बड़े बड़े हुए महत्वाकांक्षी, हिटलर नेपोलियन जैसे, लेकिन सारे विश्व में कोई राज्य नहीं कर सकता। वो तो शिव बाबा ही आकर के ऐसा राजयोग सिखाता है, जो राजयोग संपन्न स्टेज पर अगर पहुंचे पुरुषार्थ करने वाला कोई, तो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो वो बाप के लिए संक्षेप के लिए बोला, जिसकी यहाँ बात हो रही है। नाचती है